हेलो दोस्तों, मेरा नाम मंजीत कुमार है। मैं पिछले 2 साल से शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग कर रहा हूँ और उससे पैसा प्रॉफिट भी बना रहा हूँ। तो जो नए लोग हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि शेयर बाज़ार में सबसे पहले उसका नॉलेज लीजिए, उसे देखिए, उसे सीखिए, उसके बाद उसमें ट्रेडिंग करिए और प्रॉफिट बनाइए। हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, अगर आप सीखेंगे तो हमेशा आप प्रॉफिट में रहेंगे। जो लोग बोलते हैं ये जुआ है, ये गैम्बलिंग है, उनको ये लगता है ये गैम्बलिंग है, तो ये ऐसा बात नहीं है। जो लोग नए लोग होते हैं, पहले किसी कोई दोस्त लोग बताता है या यूट्यूब चैनल पे देख के किसी शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, उसका फंडामेंटल स्टडी नहीं करते हैं, उनको शुरुआत में ही नुकसान हो जाता है, तो उन्हें डर लगने लगता है, उन्हें क्या लगता है ये जुआ है, ये गैम्बलिंग है। तो ऐसा बात नहीं है। तो आज आपको मैं शेयर बाज़ार काम कैसे करता है, इसमें ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग क्या होता है, और निफ्टी 50 क्या होता है, ये सब बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, शेयर बाज़ार वो है जैसे कि मैं अब हमें कोई काम को शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए का ज़रूरत है, तो मेरे पास 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए किसी से कर्ज लेना है। तो मैं कर्ज लेके नहीं किसी और से कर्ज लेके नहीं, मैं शेयर इशू कर दूंगा। शेयर के ज़रिए पब्लिक से पैसे ले लूँगा, 3 लाख के शेयर इशू कर दूंगा, और वो जो पैसे आएंगे उससे मैं अपना काम शुरू कर लूँगा। और जो भी शेयर्स में शेयर की वैल्यू जब बढ़ेगी, हमारा कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर जाएगा, तो शेयर्स लोग बेचते जाएंगे, बेच के प्रॉफिट बुक करेंगे और दूसरे लोग शेयर परचेज करेंगे। इससे क्या होगा, ट्रेडिंग मेरा कंपनी जो है, हर कंपनी का शेयर जो होता है इशू होता है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी शेयर है, मतलब हर कंपनी का, HDFC का ले लीजिए, SBI बैंक का ले लीजिए, हर कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये अपना शेयर इशू करके ही इतना पैसा इकट्ठा करके अपना कंपनी चलाते हैं। उसी से शेयर से जो शेयर बेच कर बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग उनमें इन्वेस्ट करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो उससे कंपनी चलता है, रेगुलर चलता है। किसी कंपनी के शेयर बेच देते हैं तो उस कंपनी का लेवल नीचे, शेयर का वैल्यू गिर जाता है, उसे बोलते हैं शेयर बाज़ार नीचे गिर रहा है। तो आपको बताऊंगा शेयर बाज़ार, सबसे पहले तो आप अगर शेयर बाज़ार में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना होगा। बहुत सारी कंपनियां, ब्रोकरेज कंपनियां हैं, जैसे एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं, ये ब्रोकरेज की सुविधा देती है जिसमें आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा के ट्रेडिंग आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक, आधार कार्ड वगैरह का फोटो होना चाहिए। डीमैट अकाउंट ओपन होने के 24 घंटे के बाद आपको एक आईडी मिलेगी, आईडी और पासवर्ड अपना फॉरगेट करके बना सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी कंपनियों के शेयर, भारत में किसी भी कंपनियों के शेयर्स खरीद सकते हैं, खरीद के अपने डीमैट में रख सकते हैं। शेयर बाज़ार में डीमैट अकाउंट खोलना सीख गए आप। अब निफ्टी क्या होता है, निफ्टी होता है भारत के सबसे बड़ा 50 कंपनी जो होता है उस सबको मिला के निफ्टी बोलते हैं, उसको इंडिकेटर भी बोल सकते हैं आप। आज देखेंगे कि अगर शेयर बाज़ार में ऊपर, भारत का शेयर बाज़ार जो है ऊपर गया है या नीचे गया है, पॉजिटिव बंद हुआ है या निगेटिव बंद हुआ है, तो वो निफ्टी 50 से ही संकेतक मिलता है। भारत के सबसे 50 बड़े कंपनी अगर नीचे गिरे तो भारत के शेयर बाज़ार आज नीचे बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी भी इसी तरह से होता है, 10 बड़े बैंक को लेकर बैंक निफ्टी बनाया जाता है। उसके बाद आपको सबसे पहले तो बहुत सारे नए लोग जो होते हैं वो कहाँ फंसते हैं, सबसे मेन रीज़न ये है,
अकाउंट ओपन करवाते हैं। उसके बाद करवाने के बाद शेयर्स शेयर्स खरीदते हैं। इनको नए नए लोगों को लालच दिया जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ब्रोकरेज लोग या फ्रॉड लोग जो भी बोलिए, ये अधिकतर लखनऊ से महाराष्ट्र से फोन आता है, सर आपका नाम क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, आप मेरे साथ जुड़िए, 10,000 रुपये मंथली फीस रहेगा, आपको अच्छे से सिखाएंगे बताएंगे। इसमें अगर फंस गए आप तो समझ लीजिए कि आपको पूरा मतलब कि इंट्राडे वो ऑप्शन में पैसे लगा के आपको अधिक से अधिक लालच दिया जाता है। वो ऑप्शन में आपको 1-2 दिन प्रॉफिट हो सकता है बना दें, उनके बस का नहीं होता है, लेकिन ये हो सकता है कि ऑप्शन में हो सकता है वो डोमेस्टिक मार्केट को देख लिए हों या अमेरिकन मार्केट आज ऊपर जा रहा है, तो उसके अनुभव के आधार पे आपको हो सकता है ऑप्शन फ्यूचर में लगा के आपको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे दें, और आप अधिक लालच में आ जाते हैं, फिर दूसरे दिन आपको भी प्रॉफिट दे दें, तीसरे दिन आपका डायरेक्ट जो भी पैसा है इन्वेस्टमेंट 0 भी बना सकते हैं। हाई रिस्क की ट्रेड होता है, तो ऐसे ब्रोकरेजों के साथ अपना व्यवहार नहीं रखिए, कभी भी नहीं रखिए। कोई फोन करे, कोई भी फ्रॉड लोग ये सब लोग होते हैं, तो इनसे मेन नए लोगों को जो परेशानी यही होता है मार्केट में। नए लोग आते तो हैं एक पूरे रफ्तार के साथ, जाते भी इसी रफ्तार के साथ, जो जो होता है इन्वेस्टमेंट वो खत्म 0 बिल्कुल हो जाता है। ब्रोकरेज ये लोग ब्रोकरेज लोग करवा देते हैं 0, ज़्यादा से ज़्यादा से ये इक्विटी में शेयर खरीदना चाहिए और रखना चाहिए लंबे समय के लिए, इससे आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनता जाएगा। नए लोग होते हैं जब अधिक शेयर बाजार जब अधिक से अधिक ऊपर आ जाता है तभी शेयर खरीदते हैं, और कुछ ही दिन बाद अपना शेयर मार्केट नीचे गिर जाता है, जैसे 2008-09 में गिरा था, तो बहुत सारे लोग डर छोटे छोटे इन्वेस्टर जो होते वो डर के बेच दिए थे शेयर। क्यों बेच दिए थे? क्योंकि शेयर बाजार बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था, 25 से 30% तक का नुकसान हो गया था, सभी के पोर्टफोलियो लाल। आज पोर्टफोलियो क्या होता है तो आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि हम लोग शॉपिंग करते हैं तो एक डब्बा होता है बास्केट, जैसे मॉल वगैरह में जाते हैं तो एक बास्केट दिया जाता है, तो बास्केट में अपने पसंद का हर चीज़ पसंद कर करके बास्केट में डालते हैं, तो उसी तरह से शेयर होता है, हर कंपनी का अलग अलग शेयर और वैल्यूएबल शेयर होता है, तो हम एक डब्बा बनाते हैं और उसी डब्बे में अपने शेयर को पसंद करके 10 शेयर या 5 शेयर 20 शेयर को पसंद करके रखते हैं, कि ताकि जब भी मेरे पास पैसे का बचत हो तब वो शेयर अच्छे क्वालिटी का शेयर उठाएं, उसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो अच्छे अपना पोर्टफोलियो जब भी बनाना चाहिए, अच्छे और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाले पोर्टफोलियो चूज करके बनाना चाहिए। तो आपको बता दिया निफ्टी 50 को होता है, भारत के सबसे 50 बड़े कंपनी को इंडिकेटर किया जाता है कि आज भारत का मार्केट ऊपर गया है या नीचे गया है, तो इसी को बोलते हैं निफ्टी 50, उसी से संकेतक मिलता है। तो आपको ये फ्रॉड से कैसे बचना है ये बता दिया। अब ऑपरेटर ऑपरेटर के लोग के छोटे इन्वेस्टर क्या होते हैं, महीने 1.5 महीने में सीख तो नहीं पाते हैं, आते हैं इन्वेस्ट कर देते हैं, सबसे पेनी स्टॉक लेते हैं, और पेनी स्टॉक का मतलब ही होता है पेन, दर्द आपको चुभाएंगे। जब आप पेनी स्टॉक खरीदते हैं, छोटे से स्टॉक, जैसे अभी पिछले कुछ दिन हफ्तों महीनों में बोर्ड आइडिया के शेयर कैसे नीचे लुढ़क गया था, अभी भी 47 47 लगभग, हाँ 60-70% लॉस के लॉस में चल रहा है बोर्ड आइडिया के सर अभी भी। तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं, जो जिस पे इक्विटी शेयर डेप्ट हो, डेप्ट वाले शेयर को मत कभी भी मत लीजिए। जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता है वो अच्छे क्वालिटी के शेयर होते हैं। वो अगर बुरे वक्त में जैसे कोरोना वायरस आया था तो बहुत सारे शेयर नीचे आ गए थे, लगभग 25 25 से 30% तक नीचे आ गए थे कोरोना वायरस में हर शेयर, अच्छे अच्छे क्वालिटी के शेयर। लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार हो गया, उसी तरह से तेजी से ऊपर चढ़े थे, पूरा पार कर गए। तो ये लोगों को पेशेंस रखना चाहिए, नए लोग जो भी है पेशेंस अगर
हम 100 रुपये ही डेली डेली बचाते हैं तो महीने के 3,000 रुपये हो गए। 3,000 रुपये के अगर कोई अच्छे क्वालिटी का शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर्स के हर 3 महीने में अपना रिजल्ट क्लियर करती है, तो रिजल्ट में बोनस भी दे सकती है। जैसे हम लोगों को कंपनियों बोनस देती है ना, उसी तरह शेयर्स वाले को भी बोनस शेयर मिलते हैं, स्प्लिट कर देते हैं बड़े बड़े। जैसे 1,000 रुपये का एक शेयर है, उसको तोड़ तोड़ के 10 बना देते हैं, तो इससे शेयर आपका जो है ना, शेयर का वैल्यू बढ़ेगा, शेयर की क्वांटिटी भी बढ़ेगी और वैल्यू भी बढ़ेगा। तो लंबे समय के लिए शेयर्स को रखने के यही फायदे हैं और अच्छा प्रॉफिट बनता है। ऑप्शन फ्यूचर में जो जाता है, अधिकतर लोग बर्बाद हो जाते हैं। अधिकतर से अधिकतर लोग को मैं खुद भी ऑप्शन में अभी तक प्रॉफिट नहीं बना पाया हूँ 2 साल में। मोस्ट ऑफ टाइम लॉस में गया हूँ। तो ऑप्शन कभी भी लोग, ऑप्शन सीखना है तो उसको तरीके से साल 2 साल ट्रेडिंग कीजिए, धीरे धीरे करके। एक ही बार नहीं, अपना इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डाल दिया, हो गया, एक सप्ताह में एक्सपायरी डेट जान जाए। शुक्रवार को एक्सपायरी डेट होता है, अगर उस डेट को पैसा आप लगा दिए, एक्सपायरी डेट के ही दिन लगा दिए, तो वो आपका पैसा 0 भी हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना। इंडियन मार्केट, हम लोगों का मार्केट जो है सुबह 9:15 बजे से ओपन होता है, 9:15 बजे से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और 3:30 बजे से पहले इंट्राडे वाले जितने भी हैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लें या अपने आप हो जाता है। इंट्राडे का मतलब होता है आज जो स्टॉक्स में ट्रेडिंग किया हूँ, मतलब आज जो आज के लिए लिया हूँ, आज ही प्रॉफिट हो या लॉस हो, आज क्लियर होके मेरा शाम 3:30 बजे के बाद बंद होके मेरा जो है डीमेट अकाउंट में पैसे शो हो जाएंगे, कितने आपके प्रॉफिट हुए कितने लॉस हुए। और ये बात ध्यान रखें, जब भी कोई ज़रूरी पैसा हो, काम काज का पैसा, ये पैसा कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। क्या पता अगर मार्केट खुला 9:15 बजे और 11:30 बजे कोई बैड न्यूज आ गया, खराब न्यूज आ गया, तो हो सकता है वो आप इंट्राडे में ऑप्शन में कोई पैसा डाल रखे हो तो वो हो सकता है पूरा इफेक्ट कर सकता है, तो आपका पैसा पूरा 0 बना सकता है। मैं निगेटिव बात नहीं बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। ये बहुत सारे कम लोग बताते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बहुत कम लोग बताते हैं, ये रियल बात है। तो ऑप्शन से बच के रहेंगे, पैसा हमेशा कमा लेंगे। हर महीने अगर आप स्टॉक में सिप भी करते हैं, मंथली इनकम के आधार पे 10% 12% हर महीने आप किसी इक्विटी स्टॉक को खरीदते जाते हैं, क्वालिटी स्टॉक को, तो हर महीने आप डालते जाते हैं, तो आपका पैसा एक तो इकट्ठा भी होते जाएगा, स्टॉक की वैल्यू जब बढ़ेगी तो आप स्टॉक के जरिए आप डायरेक्टली पैसा कमा सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में ये इन सब सारी सारी गलतियों से आपको सीखना है। और ऑपरेटर लोग क्या करते हैं, छोटे जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, जैसे अभी ले लीजिए टाटा टेली सर्विस में क्या हुआ था, टाटा टेली सर्विस को ऊपर उड़ाया गया, लगभग 200-300% का रिटर्न, 300% का रिटर्न 2 महीने में दे दिया। मतलब 1 लाख, अगर आप 1 लाख रुपये लगाते अगर उसका स्टॉक खरीद के, तो आपका सीधे 4 लाख रुपए हो गया होता, 4 गुना। तो ये ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेट करते हैं। कोई बड़े इन्वेस्टर को बताया जाता है साइड से कि आप मेरे इक्विटी शेयर खरीद लीजिए, जब शेयर चढ़ जाएगा उसको बाद आप अपना इक्विटी शेयर बेच के प्रॉफिट बना लीजिएगा। जो उसमें छोटे लोग जो लालच से जाते हैं ना, कि चीनी देख के जो होते हैं भवरे बैठते हैं, इसी तरह से छोटे लोग जो होते हैं ना, जब एक्टिव स्टॉक हो जाता है, ऑपरेटर लोग जब जंप कर देते हैं पूरे ऊपर, तब जाके वो एंट्री लेते हैं छोटे लोग, और उसके बाद जब बेचते हैं तो डायरेक्टली इस तरीके से कुछ ऐसे से कैंडल बनते हैं। पहले अप का बनता है, फिर डाउन का बनता है, फिर अपर सर्किट डाउन सर्किट, फिर आप बेच भी नहीं सकते हैं स्टॉक।
बेचने का ऑर्डर लगा देंगे, ऑर्डर वो आपका लगेगा ही नहीं क्योंकि लेने वाला कोई रहेगा ही नहीं। आप इस तरीके से फंस जाएंगे, पेनी स्टोर लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाता है। मार्केट खुलते ही 5% का लोअर सर्किट, आप डर जाएंगे देख के। तो इस तरह से आपको बता दिया फ्रॉड कैसे होता है, ऑपरेटर कैसे होता है, जंप कैसे होता है, और इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग वो होता है, इंट्राडे तो आपको बता दिया कि इंट्राडे होता है आज मैंने जो स्टॉक खरीदा है आज ही 3:30 बजे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग होता है कुछ सप्ताह या कुछ दिनों के लिए, जैसे RBL का शेयर में स्विंग ट्रेडिंग हमेशा होता है। ये मैं पर्सनल नहीं बता रहा हूँ, मतलब कि एक उदाहरण के आकार का दे रहा हूँ। आप लोग फंस मत जाना किसी स्टॉक में, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ। RBL बैंक का जो स्टॉक है कभी कभार जो होता है ना 30% 20-20% एक ही दिन में ऊपर जाता है और 20-20% नीचे भी जाता है। तो इसलिए जो ऑपरेटर लोग होते हैं ना, वो जब देखते हैं 2-3 बार सर्किट लोअर सर्किट लग जाता है तो उसमें अपना पैसा डाल के लगभग 15 से 20 दिन में अपना पैसा डबल कर लेते हैं, क्योंकि वैसा होता है उसका स्पीड ही।